तो एक डेटा आपके सामने दिख रहा है, बेसिकली ये डेटा हमने टैली से लिया है या किसी और से लिया है, इसको कॉमा सेपरेटेड बोलते हैं, सीएसवी। मतलब कि यहाँ हमारा जो एक्सएमएल का होता है कॉलम सेपरेटेड होता है, उसको कॉलम को टैब बोलते हैं लैंग्वेज, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टैब सेपरेटेड सेपरेटेड होता है। बट यहाँ पे क्या है कि कॉमा सेपरेटेड है, कि अब मेरा डेटा जो एक्सेल में कॉपी पेस्ट हुआ तो एक्चुअली होना चाहिए था इस तरह से, आईडी नेम जैन फैब इस तरह से, इसके अंदर जो है वन पूजा इस तरह से होता, लेकिन जब डेटा को हमने ओपन किया तो हमें जो है इस तरह का एक ही सेल में पूरा डेटा दिख गया, कॉमा 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 गलत। बोलोगे सर अभी तो हमारी पिवट टेबल की क्लास चल रही थी, पर पिवट टेबल की क्लास में आपने क्या डाल दिया? बेसिकली पिवट टेबल लगाने से पहले हमें डेटा तो लेना पड़ता है। अब डेटा की गारंटी तो नहीं है कि डेटा आपका एक्सेल में ही होगा, हम कभी कभी इंटरनेट से इंटरनेट के वेब पेज से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक इसकी जो एक्सचेंज की साइट्स होती है वहां से उठा लेते हैं, मनी एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट जो साइट्स होते हैं इंडिया वहां से उठा लेते हैं, और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जहां से उठा लेते हैं, या हो सकता है कि टैली डेटा आपने टैली से उठा लिया, तो कभी कभी जो सीएसवी फाइल होती है, क्योंकि इंटरनेट टैली और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स में जो फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो सीएसवी फॉर्मेट में होता है। आप गूगल की कॉन्टेक्ट लिस्ट को ये डाउनलोड करेंगे तो सीएसवी फॉर्मेट में होगा, तो सीएसवी फॉर्मेट में अगर टैब लिमिटेड होगा तो डेटा आपको नॉर्मल आ जाएगा, कॉमा लिमिटेड होगा तो डेटा इंपोर्ट करते समय टेक्स्ट टू कॉलम आएगा, वहां पर आपने ध्यान नहीं दिया तो डेटा इस तरह से आ जाएगा एक कॉलम। अब एक कॉलम में डेटा आने से समय इसमें पिवट टेबल तो लगा नहीं पाएंगे ना, हमें डेटा सही करना हो, तो इस डेटा को सही करने के लिए हमें डेटा मेनू बार के अंदर में दिखेगा टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे ना दो चीज आएगी, एक आएगा फिक्स विड्थ, दूसरा आएगा डिलिमिटेड। फिक्स विड्थ में क्या होता है कि हम करेक्टर के हिसाब से कि तीन तीन करेक्टर पांच पांच करेक्टर को अलग कर, लेकिन मेरा डेटा उस तरह से नहीं है। डिलिमिटेड मतलब कि आपके पास कोई ऐसा की है, ऐसा कोई करेक्टर है जिसके बिहाव पे आपको अलग करना है, जैसे कि मेरे पास कॉमा कॉमा है, तो डिलिमिटेड में हम उसको नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ टैब के जगह पे हम इस पे कॉमा डालते हैं, कॉमा डालते हैं, यहाँ देख रहे अलग अलग सेल में हो गया, फिर नेक्स्ट एंड फिनिश कर आ गया सर। तो पर इसमें एक गड़बड़ ये हो सकती है कि जैसे आखिर आपको कोई टेक्स्ट कॉलम है, अगर इसमें नाम पूजा कॉमा कुमार दे रखा है तो आई थिंक वो भी अलग अलग हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड है ना, इसलिए अलग हो जाएगा। और इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन है कि कह सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे कह सकते हैं कि इस कॉलम के लिए ये थोड़ा सा इग्नोर कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो कॉमा लेके चलेगा या स्पेस लेके चलेगा या टैब लेके चलेगा, कोई एक की लेके चलेगा, और जो आप बोल रहे हो शायद ही आता है, हमेशा नहीं आता। अब इसमें चलिए हम पिवट टेबल लगाते हैं। तो लास्ट क्लासेस की पिवट में हमने डेटा को समराइजेशन सिखा दिया था, डेटा सॉर्टिंग फिल्टर मूविंग एंड ग्रुपिंग हमने किया था, ठीक है सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। अब यहां पे हम जो है नेम रख दिया और यहां पे जैन, नेम और जैन। अब यहां एक चीज देखिए कि आपके सामने जैन का टोटल आ गया पूजा वाइज। अब मुझे इसमें करनी है कुछ कैलकुलेशन। अब कैसा कैलकुलेशन करना है, जैसे कि पूजा का जनवरी मंथ का आपके सामने दिख रहा है, मुझे इसमें कंट्रीब्यूशन देखना है। कंट्रीब्यूशन मतलब कि मुझे पता करना है कि पूजा का क्या परसेंटेज है ओवरऑल सेल में, उसकी शेयरिंग कितना है। अगर हम मैथमेटिकल बात करें तो हमें 11,543 से बाकी सबको डिवाइड करना है इनटू 100। नहीं, इनटू 100 डेसिमल्स के लिए आप नहीं किया जाता है, परसेंटेज के लिए, क्योंकि जैसे परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे ऑटोमेटिक परसेंटेज हो जाएगा। जैसे
कि 500 आपका पेपर था और आपने मान लीजिए 350 लाया, तो अब अगर आपने क्या किया 350 डिवाइडेड 500, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आया, इसमें मल्टीप्लाई और 100 करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परसेंटेज सिंबल जैसे लगाएंगे ये 70 हो जाए, ताकि आगे कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई और 100 करेंगे तो 70 हो जाएगा, और एक्सेल में 1 = 100% होता है। ये पेस्ट स्पेशल में आई थिंक मैंने आपको समझाया होगा। तो हमें डिवाइड करना है, तो अगर हम आउट ऑफ द पिवट मैन्युअली डिवाइड करते हैं B4/11543, तो इसमें दो प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम ये होगी कि ये पिवट का पार्ट नहीं, तो अगर डेटा मेरा अपडेट होगा तो ये मेरा अपडेट नहीं होगा, समझ गए? तो आप बोलोगे सर मैं मैन्युअली 11453 क्यों लूं, मैं यहाँ पे B16 सर्च कर लेता हूँ, तो कहने का मतलब यहाँ पे कि कोई नाम अगर बढ़ेगा तो B16 17 भी तो हो सकता है, अगर घटेगा तो 15 भी तो हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम होगा कि मान लीजिए मैंने फरवरी को इसके नीचे, तो आपका गया कैलकुलेशन सर, हवा हो गया, पिवट जैसे इंक्रीज होगा नॉर्मल डेटा को डिलीट कर देगा, समझ गए? कान जी अब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैं कुछ बोल रहा सर, मैंने बोला हाँ आगे ऐसी प्रॉब्लम शायद आपके साथ ही हुई होगी। ओके, तो इसमें हम जो है पिवट का पार्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पिवट का पार्ट ही, तो यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जहाँ पे आप सम वगैरह करते हैं इसी के बगल में यहाँ दिखेगा सो वैल्यू एच, देखा सो वैल्यू एच। अब यहाँ पे नो कैलकुलेशन ठीक है, हाँ जी इसमें देंगे, यहाँ पे कई सारे कैलकुलेशन मिलेंगे, या परसेंटेज ऑफ गान टोटल, ओके, या कॉलम टोटल, दोनों ले सकते हैं, यहाँ रो टोटल भी है, तीनों में डिफरेंस क्या है, चलिए पहले तीनों गान टोटल कॉलम टोटल रो टोटल को समझते हैं, ठीक है? हाँ जी, लेकिन हम इस पे नहीं समझ पाएंगे इस डेटा में, तो हमें डेटा ऐड करना होगा, डेटा मंथ है ऊपर हमें यहाँ पे, अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपने सिटी ऐड किया है तो ये पिवट में नहीं आएगा, ये पिवट में कब आएगा, जब मैं इसकी डेटा को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि तो मैंने जब पिवट टेबल लगाया था तब तक मेरा J2, J3, J4 पे किया है ना, ये आ गया तो मुझे इसको इंक्रीज करके के देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा सर। सिटी को मैंने यहाँ रख दिया, अब देखिए ये जो नीचे टोटल दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉलम टोटल, और साइड में जो है इसको बोलते हैं रो टोटल, और नीचे जो है इसको बोलते हैं ग्रांड टोटल। तो अभी जैसे कि मेरे पास एक ही कॉलम है तो मेरा ग्रांड टोटल और कॉलम टोटल दोनों सेम है, तो अगर मुझे इसकी कंट्रीब्यूशन निकालनी हो तो यहां परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर दूं या परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? एक चीज और भी है, जैसे मैं जनवरी को एक बार और रखना चाहूं तो मैं एक बार और रख सकता हूं, क्योंकि वैल्यूज में एक ही फील्ड को हम कई बार रख सकते हैं, तो यहां पे हमारे सामने आ गया टोटल और यहां पे आ गया परसेंटेज, क्लियर है? हाँ जी। अब इसी में जैसे कि हम बोल रहे थे आपको कि अगर हमें यहाँ पे सिटी रख दिया तो अभी जो कंट्रीब्यूशन दिख रहा है वो परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल का दिख रहा है, ठीक है? नोट देखिए, नोट करेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल करेंगे तो इस नंबर से हर एक नंबर को डिवाइड करेगा
परसेंटेज आप रो टोटल करेंगे तो जितने भी नंबर्स हैं इसको इससे डिवाइड कर देगा रो वाइज, परसेंटेज आप कॉलम टोटल करेंगे तो कॉलम का जो टोटल है वो इससे डिवाइड होगा, ठीक है? आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको टोटलिंग का सिस्टम। अब मान लीजिए मुझे यहाँ ये दिखना है कंट्रीब्यूशन दिखना है, जो क्यूमुलेटिव टोटल होती है ना उसका टोटल दिखना है, तो यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ सॉरी परसेंटेज नहीं, यहाँ पे आपको दिखता है रनिंग टोटल, नीचे आएगा रनिंग टोटल दिख गया। तो रनिंग टोटल में क्या होगा कि नीरज का टोटल हो जाएगा 820 एंड 45 दोनों जुड़ के, मैं इसको जैन को एक और यहां रखता हूं, तो ये टोटल था, यहां पे इन दोनों का टोटल आ गया, फिर यहां पे इन तीनों का टोटल आ गया, फिर इसके नीचे इन सबों का टोटल आ गया, ठीक है? हां जी इसको रनिंग टोटल करते हैं। इस तरह से परसेंटेज करना चाहते हैं कि मैं रनिंग टोटल का परसेंटेज कितना बढ़ा है, तो यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में आइए और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल कर दीजिए तो परसेंटेज भी आ जाएगा 7% का परसेंट और नीचे का परसेंट, अच्छा ठीक है। इसमें और चीजें भी हैं तो आप ट्राई करके देखिएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है। सर एक मिनट, ये रनिंग का आपने बनाया है ये बेसिकली क्या है, ये वो नहीं है, एक मिनट इसकी वैल्यू अगर देखें ग्रैंड टोटल से नहीं करेगा ये, तो फॉर एग्जांपल 7.3 मैं आपको बताता हूं समझाता हूं, मैंने यहां पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर दिया ना, हां कर दिया, नहीं वो तो समझ आ गया, ठीक है 7% था, अच्छा जो नीरज के बिल के 14, अच्छा 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 ठीक है ठीक ये बेसिकली नाम पे सूट नहीं कर रहा, मंथ पे सूट करता है। जैन में हमारा मान लीजिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन 10% था, फरवरी में हमारा 10 और जैन फैन पे मिला के 25% हो गया, समझ गया ना? ठीक है सर समझ गया। तो यहाँ पे और भी कैलकुलेशंस है तो आप एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है, मुझे बताइएगा, हम आपको समझा देंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन है तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं फील्ड की कैलकुलेशन। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जैन से लेके अगस्त तक का यहाँ मैं सेल है, मुझे टोटल सेल चाहिए, तो यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि ये सारे मेरे कॉलम्स में मेरे आइटम्स नहीं है, मेरे डेटा में आप देखेंगे तो ये हमारे सारे कॉलम्स हैं, आइटम होते जैसे कि आपका सिटी था, एक मिनट सिटी को रख दिया यहाँ पे, तो सिटी के पूरे पुणे में यदि आइटम दिख गया क्योंकि ये एक कॉलम में, बट मेरे पास ये अलग अलग कॉलम्स में, तो इसके लिए क्या है कि पिवट डायरेक्टली नहीं करेंगे, हमें इसकी कैलकुलेट करना होगा, मतलब जैन की टोटल प्लस फैब की टोटल प्लस मार्च की टोटल ऐसे टोटल मैनुअली 1 by 1 करना पड़ेगा। कहाँ पे? तो पिवट टेबल डिजाइन में आपको दिखेगा फिल आइटम से, फील्ड आइटम सेट, इसमें हम कैलकुलेटेड फील्ड पे आएंगे, टोटल हेडिंग डाल दीजिए कुछ भी और ये अपने जिस जिसको फील्ड को टोटल करना है उसको इंसर्ट कीजिए, प्लस इंसर्ट। अब इसका शॉर्टकट कोई नहीं है कि आप एक बार सारा कॉलम टोटल कर लो, एक ही करना पड़ेगा, समझ में आ गए? आ गए सर? हाँ जी। तो ये सिटी को आपने रखा फिल्टर में और नहीं, सिटी फिल्टर से इससे मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है।
हमने सिंपल क्या किया कि इन सबों का कैलकुलेट कर दिया प्लस, जो हम डेटा में करते हैं ना इस तरह से डेटा प्लस करते हैं, हम यहाँ इस तरह से जो प्लस करते हैं, यही प्लस हमने पिवट टेबल के अंदर कर दिया। समझे कैसे किया? हमने यहाँ पिवट टेबल में गए, एनालाइज में वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए और यहाँ से यहाँ हमने डाल दिया नंबर और यहाँ पे एक एक करके प्लस प्लस करते गए। जैसे कि मान लीजिए मुझे टोटल जो आया है मुझे इसका जीएसटी निकालना, तो हमने जीएसटी लिया और हम यहाँ एक टोटल कैलकुलेट कर चुके हैं तो टोटल वाले फील्ड को ही ले लेते हैं, इसका 18% हमने जीएसटी लेके ऐड कर, तो मेरा जीएसटी पिवट के अंदर ही कैलकुलेट। समझे? ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इसमें एक्सेल की फॉर्मूला भी लगानी, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जीएसटी टोटल प्लस जीएसटी को ऐड करके ग्रांड टोटल निकालना या फिर अमाउंट निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं डेसिमल पहले नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वहां पे डेसिमल रिमूव रहे, तो डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए क्या लगाते हैं फॉर्मूला हम बताए आपको? आप डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं? नहीं नहीं, डेसिमल्स को हर करने के ट्रंक राउंड 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 बोल, आप बोलते हैं राउंड फिगर होता हो, ये राउंड फिगर होता है, तो राउंड नियरेस्ट दिखाता है, 12.36 है तो 12 दिखाएगा, 13 दिखाएगा, ये तो मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ। तो राउंड का फॉर्मूला हम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि हम अपने वर्कशीट फॉर्मूला को भी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बोल दिया अमाउंट और अमाउंट में मुझे इन दोनों का टोटल करना है, टोटल एंड जीएसटी का, लेकिन उसको रखना है राउंड में, ROUND राउंड, इसमें हमने बोला कि टोटल प्लस जीएसटी और हमें डेसिमल नहीं चाहिए तो हमने जीरो कर दिया। अब मुझे डेसिमल 1 पैलेस चाहिए, 2 पैलेस चाहिए, तो यहाँ पे वो नंबर हम देते हैं। ओके सर। इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम करते हैं अपने पिवट के अंदर। ओके सर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए।